हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे HSG के बारे में। देखो, मैं हूं ना जो, मैंने आज तक इम्यून नहीं किया। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने आज तक इम्यून किया ही नहीं। पर मेरे कुछ स्पेशल दोस्तों ने मेरे को बोला, जा यार, GD होने वाला है, एक बारी पहले देख के आ जा इम्यून होता क्या। मैं चलो, तुम लोग बोल रहे हो तो कर लेते हैं, है ना। ये वाली बच्चों भी देख लेते हैं इम्यून की चीज़ है। तो इन्होंने बोला 2600 रुपये देने, प्रॉपर लंच वंच मिलेगा, हाईटी वाईटी होगी, मज़ा वज़ा आएगा। मैंने सोचा वाह, इसमें तो मज़ा आएगा, ये कर लेते हैं। मैं 2600 दे भी दिया। तो आज मैं गया स्कूल, कपड़े वपड़े प्रॉपर एकदम काली शर्ट वर्ट पहन के कि चलो अच्छे दिखेंगे, ठीक है, मज़ा आएगा, नाचेंगे बाचेंगे थोड़ा सा, लोगों के साथ नए लोगों से मिलेंगे, बात बात करेंगे बढ़िया से, और अपने GDMN में डेलीगेट्स भी लेंगे, थोड़ा बीफ वीफ भी करेंगे। मैं चला गया उधर अपनी स्कूल बस में, ऑब्वियसली GD गोइंग का लेजेंडरी स्कूल। तो मैं जहाँ जब वहाँ पहुँचा, पहली बात, पहले गया मैं रजिस्ट्रेशन टेबल, सबसे पहली चीज़ मैंने देखी, ड्रेस कोड फॉर्मल, स्कूल के बच्चे स्कूल के गंदे से कपड़ों में, हेरिटेज स्कूल। एक तो उनकी यूनिफॉर्म भी घटिया और लोग भी घटिया दिख रहे थे, सही में जो वो लग रहे थे ना, देखने लायक नहीं थे वो, बकचोदी मतलब अगले नेक्स्ट लिमिट की। फिर उन्होंने दिया एक आई कार्ड, मैं दिखाता हूँ, ये ऐसे पड़ जाएगा। और रजिस्ट्रेशन टेबल पे मैंने एक चीज सुनी थी मेरे दोस्तों से, एक चीज मिलती है डेलीगेट किट्स, ऐसा भी कुछ होता है, मैंने जो दिखा नहीं, पता नहीं यार। एक वो बस ये खुद्दू साहब को पकड़ा दिया, पेज उत्कर्ष गुप्ता IP लिख दिया और पहनने के लिए बोल दिया। मैं चलो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, इनका सिस्टम कहीं अलग होगा। फिर भोसड़ी के 10 मिनट बाद स्टैंप लगाने आते हैं, रजिस्ट्रेशन टेबल पे नहीं लग सकती थी वो। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, सिस्टम अलग होगा, HSJ है, हेरिटेज स्कूल, सदियों से अलग चलता आ रहा है, कोई बात, आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने IP वालों को बोला फोटोएं खींचो, ठीक है चलो ये तो हमारा काम है, ये भी हमने कर लिया। फिर शुरू हुई ओपनिंग सेरेमनी। मैंने सुना था कि यार स्कूल बैंड्स की परफॉर्मेंस होती नहीं है, चलो रखी भी इन्होंने, इतनी घटिया परफॉर्मेंस, पहली ही परफॉर्मेंस में मूड खराब कर दिया मेरा। मैं मेरे को बनाना ही नहीं है, आया ही क्यों इधर, ठीक है ये भी चीज़ हो गई, आगे बढ़ते हैं, आया ही क्यों। फिर मैंने ना एक म्यूजिक परफॉर्मेंस देखी, बड़े गाने थे उसमें, चलो उसको मैं ट्रोल नहीं करूंगा, वो फिर भी देखने लायक थी, आंखें जली नहीं वो देख के। फिर देखा चेयरमैन का एड्रेस, मान लिया यार मैंने पहली बार कहीं प्रिंसिपल का एड्रेस ही नहीं देखा, ऐसा हो सकता है कहीं नहीं, मुझे आप लोग बताइए ये कहाँ की साइंस है या कहाँ की बकचोदी है कि एक ओपनिंग सेरेमनी में स्कूल का इवेंट है, प्रिंसिपल है, चोद बोला ही कुछ नहीं। और मैं ना एक्चुअली GDMN नाम के ना एक इवेंट की OC में हूँ, तो वहां मैंने सुना था ये EB लोग जो होते हैं ना, इनकी थोड़ी सी ना इज्जत होती है, मतलब इज्जत है भाई, दिया क्या सालों को एक हैमर, हथौड़ा दिया बेंच, हथौड़ा भी क्या दिया, उनकी तारीफें भी नहीं की। डायरेक्टर जनरल था उनका, एक नाम था उस बंदे का अमय मल्होत्रा, मैं सुन के रखा था बड़ा एक्सपीरियंस डेमिनर है, सब कुछ है, टिंगना फलाना, स्टेज में बोला नहीं जा रहा था उस चूतिया से, बीच में तो अटक गया, मुंह में आवाज थी उसके। एक और था, ठीक है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैंने उसको एक तरीके से आइडेंटिफाई किया था, पता कैसे, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उसकी जो आवाज थी ना वो तो मुंह से बाहर ही नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था एटीट्यूड इस बंदे में इतना है कि वो दिखाना है, एटीट्यूड दिखना चाहिए, सिंपल सी बात है, एटीट्यूड नहीं दिखा तो कोई फायदा नहीं, ऑन पॉइंट HSJ। चलो ये तो मैंने लोगों की बात कर दी, अब इनकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ। प्रिंसिपल का पहली बात एड्रेस नहीं रखा, और MUN में ना मैंने एक चीज सुनी थी अपने GDMN में भी और बाकी MUN में भी, जब एक बारी वो एक हैमर बचता है कॉन्फ्रेंस ओपन वाला, उसके बाद ना कुछ होता नहीं है, मतलब उसके बाद सारा आइस ब्रेकर वगैरह सेशन होता है। इन जूतियों ने एक कमिटी को फेलिसिटेट करना ही भूल गए, उसने कॉन्फ्रेंस डिक्लेयर कर दी, उसके बाद EB को दिया, फिर इनको याद आया और भी कुछ करना था हमने, लेवल देख रहे हैं ना आप, बाकी MUNs का और HSJ का, HSJ अलग दुनिया में चल रहा है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, DJ स्पीकर लगाए हुए थे जबकि जरूरत भी नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा मैं चलो ये ओपनिंग सेरेमनी वेरेमनी तो हो गया, अब कहते हैं नाउ यू हैव योर हाईटी,
आईटी में मैं खाने को कुछ मिलेगा, मजा आएगा, चलो फाइनली जिस चीज के लिए आए थे वो तो मिलेगी। मैं खाने के लिए गया, क्या हुआ होगा सोच। गिद्दड़ खेड़ में, ऐसी गिद्दड़ खेड़ मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। इधर उधर भाग रहे, इतनी गंदी मुस्कान थी उस ऑडिटोरियम से, मैं बता भी नहीं सकता, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। खड़ा होना मुश्किल था उधर मेरा, इतने लोग, और बाद में बोलते हैं 10 मिनट बाद, अभी खाना नहीं है, अभी आप आइस ब्रेकर के ले जाओ। ये बकचोदी ठीक है। मैं कमेटी में गया, कमेटी में भी कैसे गया, उनके बोर्ड्स थे ठीक है कमेटी के ना, इन्होंने रूम्स के बाहर ना एक ऐसे डंडे से लगा दिए थे ऊपर से, वो तो साले सब गिरी गए थे, लगाए किस लिए थे फिर, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, काउंसिल वालों को पता नहीं है, एक तो वो गंदी सी स्कूल वाली यूनिफॉर्म पहनी हुई है, इतने गंदे अजीब से लग रहे हैं ठीक है। फिर मैं चलो जैसे तैसे कमेटी में घुसा, कमेटी की बात अभी मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा ठीक थी, मतलब पर एक चीज़ जरूर बोलूँगा, हेरिटेज के बच्चों के नाम बहुत अजीब है, मेरे से याद नहीं हो रहे ठीक है। फिर मेरे को लगा आइस ब्रेकर के बाद हाईटी है, चलो फाइनली खाने को मिलेगा, मजा आएगा। दिया क्या, पैटी, गंदी सी स्प्रिंग रोल और जूस, रियल का वो डब्बा जो ठंडा भी नहीं था। चाय पी, मैं चलो चाय तो होगी, चाय का कंटेनर क्या देखा मैंने, कटोरे वाला, ट्रेन होती है ना ट्रेन, पता ना तुम लोगों को, ट्रेन ट्रेन में जो लोटे नहीं दिखते, वो जो क्या कहते हैं उसको, वॉशरूम में स्लीपर क्लास में वो जो वॉशरूम में लोटे होते हैं अटके हुए, वो वैसे बिल्कुल वैसा था। इतना मजा आया ना, इतना आया है, इतना हाइजीनिक, सब प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप रखे हुए हैं, इन्होंने एस्कॉर्ट टीचर्स को 5 घंटे बैठा के रखा है, पानी तक नहीं पूछा। वाह क्या बात है, जज डायरेक्टर जनरल को अपनी होश नहीं है, सेक्रेटरी जनरल को अपनी होश नहीं है, अमे मल्होत्रा एंड दैट जवाहरलाल नेहरू, सालों को कुछ नहीं आता उनको, बस एक चीज आती है कमिटीज में एस्कॉर्ट करके, सलाम है जज जी।